हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ सिक्स नेपोलियंस हिंदी में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लेस्ट्रेड के लिए अक्सर शाम को हमसे मिलने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। उसकी इन विजिट्स का शर्लक होम्स के घर में हमेशा स्वागत होता था, क्योंकि इससे उसे स्कॉटलैंड यार्ड में चल रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। लेस्ट्रेड द्वारा लाए जाने वाले समाचार के बदले में होम्स किसी भी केस के विवरण को ध्यान से सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता था जिस पर जासूस काम कर रहा होता था, और कभी कभी उसे अपने विशाल ज्ञान और अनुभव से कुछ संकेत या सुझाव भी दे दिया करता था। उस खास शाम को लेस्ट्रेड ने आने के बाद बस मौसम और अखबारों के बारे में बात की और फिर सिगार पीते हुए चुप बैठ गया। होम्स ने उसे गौर से देखा, फिर उसने पूछा, कोई नया केस है तुम्हारे पास? नहीं मिस्टर होम्स, कुछ खास नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे इसके बारे में बताओ। लेस्ट्रेड हंस पड़ा। आप सब समझ लेते हैं मिस्टर होम्स, इस बात से इनकार करने से अब कोई फायदा नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इतनी अजीब और बेतुकी सी बात है कि मुझे लगता है मुझे आपको इससे परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ये छोटी और मामूली बात होने के बाद भी अजीब तो बहुत है, और मुझे ये भी पता है कि आपको वो सब कुछ पसंद है जो अजीब होता है। वैसे मुझे ये लगता है कि आपकी तुलना में ये डॉक्टर वॉटसन के ज़्यादा काम की बात हो सकती है। क्या कोई बीमार है? मैंने पूछा। मानसिक बीमार, पागलपन, और वो भी एक अजीब पागलपन, लेस्ट्रेड ने कहा। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि आज के इस ज़माने में कोई ऐसा आदमी जिंदा होगा जिसे नेपोलियन से इतनी नफरत थी कि वो नेपोलियन की हर उस मूर्ति को तोड़ दे जो उसके सामने आए। होम्स वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, इसमें मेरे काम का कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा था, लेकिन अगर वो आदमी उन मूर्तियों को तोड़ने के लिए किसी के घर में सेंध लगाने लगे तो फिर ये बात डॉक्टर और पुलिस से थोड़ी आगे बढ़ जाती है। होम्स फिर से सतर्क होकर बैठ गया। चोरी? ये ज्यादा दिलचस्प है, मुझे पूरी बात बताओ। लेस्ट्रेड ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें से देखकर उसने हमें बताया, पहला मामला 4 दिन पहले रिपोर्ट किया गया था। ये चोरी मोर्स हडसन नाम के आदमी की दुकान पर हुई जो कैनिंगटन रोड पर चित्रों और मूर्तियों की प्रसिद्ध दुकान है। दुकानदार का असिस्टेंट कोई शोर की आवाज़ सुनकर 1 मिनट के लिए बाहर गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि नेपोलियन का एक प्लास्टर का बस्ट जो काउंटर पर दूसरी मूर्तियों के साथ रखा हुआ था टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था। कई राहगीरों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को दुकान से बाहर भागते देखा था। वो सड़क पर कुछ दूर तक दौड़ा भी, लेकिन उसे ना तो कोई दिखाई दिया और ना ही उस बदमाश की कोई पहचान मिल पाई। उसने सोचा कि शायद यूं ही कोई शरारत करके भाग गया है। उसने बस गश्ती सिपाही को इसकी सूचना दे दी, क्योंकि वो प्लास्टर का कास्ट कुछ शिलिंग से ज़्यादा मूल्य का नहीं था और पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए ये मामला बहुत ही बचकाना सा लग रहा था। हालांकि जो दूसरा मामला आया वो इससे ज़्यादा गंभीर था। ये कल रात ही हुआ है, कैनिंगटन रोड पर और मॉर्स हडसन की दुकान के कुछ 100 गज के भीतर डॉक्टर बार्निकॉट नाम का एक डॉक्टर रहता है। उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चलती है। उसका घर और क्लिनिक कैनिंगटन रोड पर है, लेकिन 2 मील दूर लोअर ब्रिक्सटन रोड पर उसका एक छोटा सा हॉस्पिटल है। ये डॉक्टर बार्निकॉट जो है ये नेपोलियन का बड़ा ही प्रशंसक है और उसका घर फ्रांस के सम्राट की किताबों, चित्रों और अवशेषों से भरा हुआ है। कुछ समय पहले उसने मॉर्स हडसन से नेपोलियन के प्रसिद्ध सिर के 2 प्लास्टर कास्ट खरीदे थे। इनमें से एक को उसने कैनिंगटन रोड स्थित अपने घर पर रखा और दूसरे को लोअर ब्रिक्सटन में सर्जरी के मेंटल पीस पर रख दिया। आज सुबह जब डॉक्टर नीचे आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि रात को उसके घर में चोरी हुई थी, लेकिन हॉल से उस प्लास्टर बस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं चुराया गया था। और मज़े की बात ये कि चोर ने उस मूर्ति को बगीचे की दीवार पर मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। होम्स ने उत्साह से अपने हाथ मसलते हुए कहा,
ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लग रहा था कि आपको ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर बार्निकॉट 12 बजे सर्जरी के लिए जाने वाला था, और आप उसकी हैरानी की कल्पना कर सकते हैं जब वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि रात में किसी ने वहाँ की खिड़की खोली थी और उसकी दूसरी मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। दोनों ही मामलों में कोई भी ऐसा संकेत या सुराग नहीं था जो हमें उस अपराधी या उस पागल के बारे में कुछ बता सके जिसने ये शरारत की थी। अब मिस्टर होम्स, मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। होम्स ने कहा, डॉक्टर बार्निकॉट के यहाँ जो दो मूर्तियाँ तोड़ी गईं, क्या वो मॉर्स हडसन की दुकान में जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसकी हूबहू नकल थी? जी हाँ, उन्हें एक ही सांचे से बनाया गया था और ये तीनों मूर्तियाँ कई सालों से उसकी दुकान में थीं। तुम्हारा क्या ख्याल है वॉटसन? होम्स ने मुझसे पूछा। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मोनोमैनिया की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे आधुनिक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक आईडीफिक्स कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नेपोलियन के बारे में गहराई से पढ़ा है या फिर लड़ाइयों के दौरान उसका या उसके परिवार का जान माल का बड़ा नुकसान हुआ हो, वो इस तरह के आईडीफिक्स का निर्माण कर सकता है और उसके प्रभाव में आकर इस तरह से अपने गुस्से को निकाल सकता है। होम्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ पर यह बात नहीं है माय डियर वॉटसन। आईडीफिक्स तुम्हारे दिलचस्प मोनोमैनिक को ये पता लगाने में समर्थ नहीं बना सकता कि वो मूर्तियाँ कहाँ मौजूद थीं। अच्छा, तो तुम ही बताओ उसने ऐसा क्यों किया होगा? मैंने कहा, अभी मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं केवल ये देख रहा हूँ कि इस आदमी के काम में एक निश्चित पैटर्न ज़रूर है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर बार्निकॉट के हॉल में जहाँ पर आवाज़ करने से परिवार की नींद खुल सकती थी, तोड़े जाने से पहले वो मूर्ति को बाहर लेकर गया, जबकि सर्जरी में जहाँ आवाज़ सुने जाने का कम खतरा था वहाँ पर इसे वहीं तोड़ दिया गया। देखने में ये बात बेतुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये मेरे कुछ सबसे बेहतरीन केसों में से एक की शुरुआत होने वाली है। और इसीलिए लेस्ट्रेड, अगर इस मामले में आगे कोई भी घटना घटती है तो अगर तुम उसके बारे में मुझे तुरंत सूचना दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। अगली घटना उससे कहीं जल्दी आ गई जितना हमने सोचा था। अगली सुबह मैं अपने कमरे में कपड़े पहन रहा था जब एक तार आया। होम्स ने उसे जोर से पढ़ा। जल्दी पहुंचो, 131 पिट स्ट्रीट, कैंसिंगटन, लेस्ट्रेड। ये क्या है? मैंने पूछा। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि ये मूर्तियों वाली कहानी की अगली कड़ी है। लगता है हमारे उस मूर्ति तोड़ने वाले दोस्त ने लंदन के एक दूसरे हिस्से में अपना काम करना शुरू कर दिया है। टेबल पर कॉफ़ी रखी है वॉटसन, और दरवाजे पर कैब आ चुकी है। आधे घंटे में ही हम लंदन की सबसे तेज़ धाराओं में से एक के बगल में स्थित एक शांत छोटे बैकवाटर पर पहुंच गए थे जिसका नाम था पिट स्ट्रीट। जैसे ही हम ऊपर गए, हमने देखा कि घर के सामने की रेलिंग पर भीड़ लगी हुई है। होम्स ने सीटी बजाई। ये तो कम से कम हत्या के प्रयास का मामला है। सामने वाली खिड़की पर लेस्ट्रेड मौजूद है और जल्द ही हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेस्ट्रेड ने गंभीर चेहरे के साथ हमारा स्वागत किया और हमें एक कमरे में ले गया। वहाँ एक बीमार और उत्तेजित दिख रहा बुजुर्ग व्यक्ति एक फलालेन ड्रेसिंग गाउन पहने इधर उधर घूम रहा था। घर के मालिक के रूप में उससे हमारा परिचय कराया गया, सेंट्रल प्रेस सिंडिकेट के मिस्टर हॉरेस हार्कर। लेस्ट्रेड ने हमें बताया, ये वही नेपोलियन के बस्ट का नाटक फिर से दोहराया गया है। अब इस बार मामले ने बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया है। यहाँ क्या क्या हुआ है मुझे विस्तार से बताओ लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा। हत्या की कोशिश हुई है। मिस्टर हार्कर, क्या आप इन लोगों को बताएंगे कि यहाँ असल में क्या हुआ है? ड्रेसिंग गाउन पहने वो आदमी उदास चेहरे के साथ हमें बताने लगा। ये एक बड़ी ही असाधारण सी बात है। मैं अपने पूरे जीवन में बाकी लोगों के बारे में समाचार इकट्ठे करता रहा हूँ, और अब जब एक असली समाचार मेरे बारे में आया है तो मैं इतना कंफ्यूज्ड और परेशान हूँ कि मैं उसके बारे में दो शब्द भी नहीं कह सकता। मैंने आपका नाम सुना है मिस्टर होम्स, और अगर आप इस पहेली को हल कर पाते हैं तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा।
चार महीने पहले मैंने हाई स्ट्रीट स्टेशन के पास हार्डिंग ब्रदर्स से काफी सस्ते दामों पर नेपोलियन की ये मूर्ति खरीदी थी। मेरा बहुत सारा पत्रकारिता का काम रात में होता है और मैं अक्सर सुबह तक लिखता हूँ। ये आज की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा था। करीब 3 बजे मुझे लगा कि नीचे से कुछ आवाज़ आई है। मैंने ध्यान से सुना लेकिन आवाज़ दोबारा नहीं आई और मुझे लगा कि वो शायद बाहर से आई होगी। फिर अचानक 5 मिनट बाद बहुत ही भयानक आवाज़ आई, ऐसी भयानक आवाज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा यह आवाज़ मेरे कानों में जैसे गूंजती रहेगी। 1 या 2 मिनट के लिए तो मैं डर के मारे जमा हुआ अपनी सीट पर बैठा रहा। फिर मैंने एक पोकर स्टिक हाथ में उठाई और नीचे चला गया। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि खिड़की खुली पड़ी थी और मेंटल पीस से पर्दा हटा हुआ था। मुझे ये नहीं समझ में आया कि कोई भी चोर ऐसी चीज क्यों चुराएगा जबकि इसका कोई भी वास्तविक मूल्य है ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि उस खुली खिड़की से बाहर जाने वाला कोई भी आदमी लंबी छलांग लगाकर सामने के दरवाजे तक पहुंच सकता है। चोर ने भी स्पष्ट रूप से ऐसा ही किया था, इसलिए मैंने चक्कर लगाया और दरवाज़ा खोला। अंधेरे में कदम रखते ही मैं करीब करीब एक मरे हुए आदमी के ऊपर गिर ही पड़ा जो वहां रास्ते में पड़ा हुआ था। मैं रोशनी लेने के लिए वापस भागा और फिर से वहां जाकर मैंने देखा कि उस बेचारे आदमी के गले में एक बड़ा सा घाव था और पूरी जगह में खून फैला हुआ था। वो पीठ के बल गिरा हुआ था, उसके घुटने ऊपर उठे हुए थे और उसका मुंह खुला हुआ था। मैंने अपनी पुलिस वाली सीटी बजाई और फिर दहशत के मारे शायद मैं बेहोश हो गया, क्योंकि जब मुझे होश आया तो पुलिस वाले मेरे सामने खड़े थे। जिस आदमी की हत्या हुई वो कौन था, होम्स ने पूछा। लाश पर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके, लेस्ट्रेड ने कहा। आप उस लाश को मॉर्ग में देख सकते हैं, वो काफी लंबा आदमी है, धूप से झुलसा हुआ रंग, काफी शक्तिशाली, 30 से ज्यादा की उम्र का नहीं होगा। उसने घटिया से कपड़े पहने हुए हैं और फिर भी वो मजदूर जैसा नहीं दिख रहा है। उसके बगल में खून से सना एक सींग वाला चाकू पड़ा हुआ था। क्या ये वो हथियार था जिससे उसका खून हुआ या वो उस मरे हुए आदमी का था, ये मुझे नहीं पता। उसके कपड़ों पर टेलर का कोई नाम नहीं था और उसकी जेब में एक सेब, कुछ तार, लंदन का 1 शिलिंग वाला नक्शा और एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये उस आदमी की तस्वीर है। वो तस्वीर स्पष्ट रूप से एक छोटे कैमरे से स्नैपशॉट द्वारा ली गई थी। ये घनी भौहों वाला एक सतर्क तेज तर्रार आदमी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे का निचला हिस्सा सुअर की थूथनी की तरह का और बहुत ही अजीब था। होम्स ने उस फोटो को ध्यान से देखने के बाद पूछा, और बस्ट का क्या हुआ? आपके आने से ठीक पहले हमें इसकी खबर मिली थी। वो कैंपडेन हाउस रोड में एक खाली घर के सामने के बगीचे में मिला है और पहले वालों की तरह ही ये भी टुकड़े टुकड़े किया जा चुका है। मैं उसे देखने के लिए अभी जा रहा हूं, क्या आप भी साथ चलेंगे? हाँ हाँ जरूर, बस जरा एक बार फिर से सारी चीजों को देख लूं, होम्स ने कहा। होम्स ने बड़ी ही बारीकी से कालीन और खिड़की की जांच की। फिर उसने कहा, या तो इसके साथी के बहुत लंबे पैर थे या वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव आदमी था। उस खिड़की के किनारे तक पहुंचने और उसे खोलने का काम कोई आसान काम नहीं था, बल्कि वापस आना फिर भी आसान था। क्या आप भी हमारे साथ अपनी मूर्ति के टुकड़े देखने आएंगे मिस्टर हार्कर? निराश सा पत्रकार एक लिखने की मेज पर बैठा था। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर सकूं। हालांकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाम के पेपर के पहले संस्करण पहले से ही पूरा विवरण छाप चुके होंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपको याद है जब डॉनकास्टर में वो पूरा का पूरा स्टैंड गिर गया था? उस स्टैंड में मैं अकेला पत्रकार मौजूद था और सिर्फ मेरी मैगजीन ऐसी थी जिसमें इस बारे में कोई खबर नहीं छपी थी, क्योंकि मैं अंदर से इतना हिल गया था कि उसके बारे में कुछ लिख ही नहीं पाया। और अब अपने खुद के दरवाजे पर हुई इस हत्या के बारे में लिखने में भी मुझे बहुत देर लग जाएगी। जिस जगह पर मूर्ति के टुकड़े मिले थे वो वहां से सिर्फ कुछ 100 गज की दूरी पर था। उन टुकड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि मूर्ति को तोड़ने वाले के मन में उन्माद और घृणा कूट कूट कर भरी होगी। वो पूरी घास पर बिखरा हुआ था। होम्स ने उनमें से कई टुकड़ों को उठाया और सावधानी से उनकी जांच की। कुछ देर बाद लेस्ट्रेड ने पूछा, कुछ समझ आया? होम्स ने अपने कंधे उछका दिए और बोला, हमें अभी काफी लंबा सफर तय करना है,
लेकिन फिर भी हमारे पास कार्रवाई करने के लिए कुछ तथ्य हैं। पहली बात तो ये है कि इस छोटी सी मूर्ति पर कब्जा करना उस अपराधी की नज़र में इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती था। दूसरी बात ये कि अगर इसे तोड़ना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था तो उसने इसे घर में या घर के एकदम बाहर क्यों नहीं तोड़ा। मेरे ख्याल से वो अपने इस दूसरे साथी से मिलकर कुछ हैरान और परेशान हो गया था। और हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान इस बगीचे में इस घर की स्थिति की तरफ विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ मूर्ति को नष्ट किया गया है। ये एक खाली घर था और इसीलिए वो जानता था कि उसे बगीचे में कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन गली के आगे एक और खाली घर है, यहाँ आने से पहले वो वहाँ से ज़रूर गुजरा होगा, तो उसने उसे वहाँ क्यों नहीं तोड़ा। लेस्ट्रेड ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी दूर वो इसे ले जाता इस बात का खतरा बढ़ता जाता कि उसे रास्ते में कोई मिल सकता था, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। होम्स ने हमारे सिर के ऊपर लगे स्ट्रीट लैंप की तरफ इशारा किया और बोला, नहीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ वो देख सकता था कि वो क्या कर रहा था और उस जगह पर रोशनी नहीं होने के कारण वो देख नहीं सकता था। असली कारण ये था। लेस्ट्रेड जोश से चिल्लाया, हाँ, आप सच कहते हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर बार्निकॉट की मूर्ति उनके लैंप से कुछ ही दूरी पर टूटी मिली थी। लेकिन इस बात से हमें क्या मदद मिलेगी भला? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है थोड़ी और छानबीन से हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएं जो इस बात से जुड़ा हो। तो अब क्या कदम उठाने का इरादा है लेस्ट्रेड? मेरी राय में हमें सबसे पहले मरे हुए आदमी की पहचान करनी चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसके सहयोगी कौन है, तो हमें ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि कल रात वो पिट स्ट्रीट में क्या कर रहा था और वो आदमी कौन था जिसने मिस्टर हॉरेस हार्कर के दरवाजे पर उससे मुलाकात की और उसे मार डाला। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लेस्ट्रेड ने पूछा। नहीं, मेरे ख्याल से मैं कुछ दूसरी चीज़ों की जांच करना ज़्यादा पसंद करूँगा। आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? आह, वो सब छोड़ो, तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर अपने काम से ध्यान मत हटाओ। मेरा सुझाव ये है कि तुम अपनी लाइन पर जाओ और मैं अपनी लाइन पर जाता हूँ। उसके बाद हम अपने अपने नोट्स की तुलना करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और हाँ, एक बात और लेस्ट्रेड, अगर तुम पिट स्ट्रीट पर वापस जा रहे हो तो मिस्टर हॉरेस हार्कर से मिलना और उससे कहना कि मैंने केस को सुलझा लिया है और ये निश्चित है कि नेपोलियन से नफरत करने वाला एक खतरनाक पागल हत्यारा कल रात उसके घर पर था। ये उसके लेख के लिए काफी उपयोगी होगा। लेस्ट्रेड ने घूरकर उसे देखा, आप वाकई इस बारे में सीरियस हैं? होम्स मुस्कुराया, शायद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मिस्टर हार्कर और सेंट्रल प्रेस सिंडिकेट के ग्राहकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अब वॉटसन, मुझे लगता है कि हमारे सामने एक लंबा और पूरे दिन का मुश्किल काम है। मुझे खुशी होगी लेस्ट्रेड अगर तुम आज शाम 6 बजे हमें बेकर स्ट्रीट पर मिलने आओ। तब तक मैं मरे हुए आदमी की जेब में मिली इस तस्वीर को अपने पास रखना चाहूँगा। हो सकता है कि मुझे एक छोटे से अभियान पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी पड़े, जो आज रात को किया जाएगा, अगर मेरे तर्कों की चेन सही साबित हुई तो। तब तक के लिए अलविदा और शुभकामनाएं। इसके बाद शर्लक होम्स और मैं एक साथ हाई स्ट्रीट पर गए, जहां हम हार्डिंग ब्रदर्स की दुकान पर पहुंचे, जहां से वो मूर्ति खरीदी गई थी। एक असिस्टेंट ने हमें सूचित किया कि मिस्टर हार्डिंग दोपहर के बाद तक नहीं आने वाले हैं और वो खुद नई भर्ती होने के कारण हमें कोई जानकारी नहीं दे सकता था। होम्स के चेहरे पर निराशा और झुंझलाहट दिखाई दी। फिर उसने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर काम हमारे तरीके से ही होगा। अगर मिस्टर हार्डिंग दोपहर के बाद यहाँ आएंगे तो हमें उसी वक्त यहाँ वापस आना होगा। जैसा कि तुम निश्चित रूप से अनुमान लगा चुके होंगे वॉटसन, कि मैं इन मूर्तियों को उनके ओरिजिन तक खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनमें आखिर ऐसी क्या बात है जो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और अब हम कैनिंगटन रोड के मिस्टर मॉर्स हडसन के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या पता चल सकता है। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम वहां पहुंच गए। मॉर्स हडसन लाल चेहरे वाला और चटपटे स्वभाव वाला एक छोटा मोटा आदमी था। उसने एक सांस बोलना शुरू किया, जी हाँ सर, वो मैं ही था जिसने डॉक्टर बार्निकॉट को 2 मूर्तियां बेची थी।
धिक्कार है साहब, बड़ी ही बुरी साजिश। मैं तो इसे यही कहूँगा, ये आदमी जरूर कोई अराजकता फैलाने वाला आदमी होगा जो मूर्तियों को ऐसे तोड़ता फिर रहा है। मैं तो उन्हें लाल रिपब्लिकन कहता हूँ। ये मूर्तियाँ मुझे किससे मिली थी? मुझे नहीं लगता कि इस बात का इस केस से कुछ लेना देना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैंने उन्हें गेल्डर एंड कंपनी चर्च स्ट्रीट स्टेपनी से खरीदा था। वो एक बड़ी ही मशहूर कंपनी है और इस फील्ड में 20 साल से काम कर रही है। मेरे पास कितनी मूर्तियाँ थीं? 3 थीं। 2 डॉक्टर बार्निकॉट को बेची थी और 1 मेरे अपने काउंटर पर थी जो यहाँ दिन के उजाले में टूट गई थी। क्या मैं इस तस्वीर को पहचानता हूँ? जी नहीं, मैं नहीं जानता। रुकिए रुकिए, शायद मैं इसे जानता हूँ। हाँ, ये तो बेप्पो है। ये एक इटालियन कारीगर था जो अपना काम बड़ी अच्छी तरह से करता था। वो थोड़ी बहुत नक्काशी भी कर सकता था और गिल्ड और फ्रेम कर सकता था और छोटे मोटे और भी काम करता था। उसने पिछले हफ्ते मेरे यहाँ से काम छोड़ दिया और उसके बाद से मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जी नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। जब तक वो यहाँ था मेरे पास उसके खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मूर्ति तोड़े जाने से 2 दिन पहले वो यहाँ से चला गया था। जब हम दुकान से बाहर निकल रहे थे तो होम्स ने कहा, मॉर्स हडसन से हम जितना जान सकते थे उतना जान चुके हैं। कैनिंगटन और कैंसिंगटन दोनों जगहों में जो बात एक समान है वो है बेप्पो नाम का ये आदमी, और इसीलिए 10 मील ड्राइव करके हमारा वहाँ जाना बनता है। तो चलो वॉटसन, अब हम गेल्डर एंड कंपनी स्टेपनी जाएंगे जहाँ से ये बस्ट पैदा हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर हमें वहाँ कुछ मदद नहीं मिलती है। हम तेज स्पीड से फैशनेबल लंदन, होटल वाला लंदन, नाटकीय लंदन, साहित्यिक लंदन, कमर्शियल लंदन और अंत में समुद्री लंदन के किनारे से गुजरते हुए नदी के किनारे के एक अलग थलग शहर में आ गए। कंपनी का ऑफिस एक चौड़ी सड़क पर था। बाहर एक बड़ा सा यार्ड था, अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें करीब 50 मजदूर नक्काशी या ढलाई का काम कर रहे थे। वहाँ का मैनेजर एक गोरा जर्मन था जिसने सभ्य तरीके से हमसे बात की और होम्स के सारे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिए। उनके खातों से पता चला कि असल में ये नेपोलियन की एक संगमरमर की मूर्ति की नकलें थीं। उस संगमरमर की मूर्ति का सांचा बनाकर उससे ऐसी सैकड़ों मूर्तियाँ बनाई गई थीं। मॉर्स हडसन को जो 3 मूर्तियाँ बेची गई थीं वो 6 मूर्तियों के एक बैच का हिस्सा थीं, जिसकी बाकी 3 मूर्तियाँ कैंसिंगटन के हार्डिंग ब्रदर्स को बेची गई थीं। ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि ये 6 मूर्तियाँ बाकी मूर्तियों से अलग क्यों थीं। मैनेजर इस बात का कोई भी संभावित कारण नहीं बता पाया कि कोई भी आदमी उन्हें क्यों नष्ट करना चाहेगा। उनकी होलसेल की कीमत 6 शिलिंग थी, लेकिन रिटेल बेचने वाले को 12 या उससे कुछ ज़्यादा शिलिंग भी मिल सकते थे। इन मूर्तियों को बनाने के लिए चेहरे के दोनों हिस्सों के 2 सांचे बनाए गए थे और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को उन दोनों सांचों में डालकर उन्हें एक साथ जोड़कर पूरा बस्ट बनाया जाता था। हम जिस कमरे में थे उस कमरे में आमतौर पर इटालियन कारीगरों द्वारा काम किया जाता था। ढलाई का काम हो जाने के बाद बस्ट को सुखाने के लिए एक मेज़ पर रख दिया जाता था और फिर तैयार हो जाने पर उसे जगह जगह पर सप्लाई किया जाता था। मैनेजर हमें बस इतना ही बता पाया, लेकिन जब हमने उसे बेप्पो की तस्वीर दिखाई तो उसके ऊपर बड़ा ही जोरदार प्रभाव पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसकी भौहों पर बल पड़ गए। ये बदमाश, वो जोर से चिल्लाया, इसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी कंपनी हमेशा से बड़ी ही प्रतिष्ठित रही है और केवल एक बार ऐसा हुआ जब हमारे यहाँ पुलिस आई थी। ये अब से करीब 1 साल पहले की बात है। उस कमबख्त ने गली में एक दूसरे इटालियन आदमी को चाकू मार दिया और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हाँ, लेकिन उसके बारे में एक बात ज़रूर अच्छी थी कि वो कारीगर बहुत ही होशियार था, सबसे बढ़िया कारीगरों में से एक था। उसे सज़ा क्या मिली थी? होम्स ने पूछा। जिस आदमी को उसने चाकू मारा था वो मरा नहीं था, बच गया था और इसीलिए बेप्पो 1 साल बाद जेल से छूट गया था। लेकिन उसमें कम से कम इतनी शर्म थी कि उसने यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं की। उसका एक चचेरा भाई है जो हमारे यहाँ काम करता है। अगर आप जानना चाहते हों कि वो कहाँ मिलेगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। होम्स जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, उस चचेरे भाई से कुछ भी मत कहना, एक शब्द भी नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि उसको इस बात की भनक भी लगे। अच्छा, ये बताइए
कि जब आपने अपने बही खाते में उन मूर्तियों की बिक्री का जिक्र किया तो मैंने देखा कि उसमें तारीख पिछले साल की 3 जून थी। क्या आप मुझे वो तारीख बता सकते हैं जिस दिन बेपो को गिरफ्तार किया गया था? मैनेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, एकदम ठीक ठीक तो नहीं, लेकिन हाँ मोटे तौर पर वेतन सूची द्वारा जरूर बता सकता हूँ। उसने एक बही खाते के कुछ पन्ने उलटने के बाद कहा, उसे 20 मई को आखिरी बार भुगतान किया गया था। धन्यवाद, होम्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपका और समय लेने की जरूरत है। और हाँ, मेरी वो बात जरूर ध्यान रखिएगा कि बेपो के चचेरे भाई के सामने इस बात के बारे में कोई भी जिक्र ना आए। इसके बाद हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में जल्दी जल्दी कुछ खा लेने के लिए बैठ गए। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक अखबार बेचने वाला बैठा था। जब हमारी नज़र उस अखबार पर पड़ी तो उसमें सबसे ऊपर शीर्षक छपा हुआ था, एक पागल आदमी द्वारा हत्या। हमने अखबार खरीदा और अंदर बैठकर उसे पढ़ने लगे। उससे हमें पता चला कि मिस्टर हॉरेस हार्कर ने आखिरकार इस बार समय से अपनी खबर छपवा ही ली थी। बेहद सनसनीखेज चित्रण के साथ 2 कॉलम में ये पूरी घटना छपी हुई थी। होम्स ने खाना खाते हुए उसे पढ़कर मुझे सुनाया। उसमें लिखा था, ये जानना संतोषजनक है कि इस मामले पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर लेस्ट्रेड, जो पुलिस के सबसे अनुभवी सदस्यों में से एक हैं, और मिस्टर शर्लॉक होम्स, जो प्रसिद्ध परामर्श विशेषज्ञ हैं, दोनों ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घटनाओं की ये विचित्र श्रृंखला, जो इतने दुखद तरीके से समाप्त हुई है, जानबूझकर किए गए अपराध के बजाय पागलपन की निशानी लगती है। मानसिक पागलपन को छोड़कर दूसरा कोई भी स्पष्टीकरण सारी बातों को ढक नहीं सकता है। ये सब पढ़कर होम्स जोर से हंस पड़ा। फिर उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हारा खाना पूरा हो गया है वॉटसन, तो हमें वापस कैंसिंगटन जाना है और देखना है कि हार्डिंग ब्रदर्स के मैनेजर का इस बारे में क्या कहना है। हार्डिंग ब्रदर्स नाम के उस विशाल एम्पोरियम का मालिक गंजे सिरवाला और बातूनी किस्म का एक तेज तर्रार आदमी था। जी हाँ सर, मैं ये सब पहले ही शाम के अखबारों में पढ़ चुका हूँ। मिस्टर हॉरेस हार्कर हमारे ही ग्राहक हैं। हमने कुछ महीने पहले उनको ये मूर्ति सप्लाई की थी। हमने स्टेपनी की गेल्डर एंड कंपनी से इस तरह के 3 बस्ट का ऑर्डर किया था। वो सारे के सारे अब बिक चुके हैं। किसको बिक चुके हैं? ओह, मैं अपनी सेल्स बुक से देखकर ये आपको बता सकता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हैं सारी एंट्रीज। एक मूर्ति गई थी मिस्टर हार्कर को और दूसरी गई थी लेबर्नम लॉज, लेबर्नम वैली, चिस्विक के मिस्टर जोशिया ब्राउन को, और तीसरी वाली लोअर ग्रोव रोड, रीडिंग के मिस्टर सैनफोर्ड को। जी नहीं, मैंने ये चेहरा कभी नहीं देखा जो आप फोटो में मुझे दिखा रहे हैं। अगर मैंने इसे देखा होता तो मैं इसे कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि ऐसा कुरूप आदमी शायद ही मैंने कभी जिंदगी में देखा हो। क्या हमारे स्टाफ में कोई इटालियन आदमी है? जी हाँ, हमारे पास तो बहुत सारे इटालियन कारीगर हैं। क्या उनकी पहुंच हमारी सेल्स बुक तक है? जी हाँ, अगर वे चाहें तो इस पर एक नज़र डाल सकते हैं। लेकिन उस किताब में ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई उस पर नज़र रखना चाहेगा। मिस्टर हार्डिंग के साथ इस सारी बातचीत के दौरान होम्स ने कई बार अपनी नोटबुक में कुछ नोट किया था और मैं देख सकता था कि वो उस मोड़ से पूरी तरह से संतुष्ट था जो ये केस अब ले रहा था। वहां से निकलकर जब हम बेकर स्ट्रीट पहुंचे तो लेस्ट्रेड वहां पहले से ही मौजूद था। हमने उसे बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटते हुए देखा। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसकी पूरे दिन की मेहनत बेकार नहीं गई थी। उसने हमसे पूछा, कुछ सफलता मिली? मेरे दोस्त ने कहा, हमारा पूरा दिन बहुत बिजी रहा और पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। हम होलसेल और रिटेल दोनों तरह के विक्रेताओं से मिले हैं और अब मैं हर एक बस्ट के ओरिजिन का पता बता सकता हूँ। लेस्ट्रेड चिढ़े हुए स्वर में बोला, फिर से बस्ट? अच्छा ठीक है, आपके अपने तरीके हैं मिस्टर होम्स, और उनके खिलाफ कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपसे बेहतर काम किया है। मैंने उस आदमी की पहचान कर ली है। बहुत बढ़िया लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा। उस मरे हुए आदमी के गले में एक कैथोलिक क्रॉस था और उसके रंग के कारण मुझे ये लगा कि वो साउथ साइड से है। हमारा एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर हिल, वो उसे देखते ही पहचान गया। उसका नाम है पियत्रो वेनुची और वो नेपल्स का है। वो लंदन के सबसे बड़े मवालियों में से एक है। वो माफिया से भी जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए
कि ये मामला कैसे साफ होने लगा है। इसका दूसरा साथी, जो शायद इटालियन है और माफिया का भी सदस्य रहा होगा, उसने किसी न किसी तरह से कोई नियम तोड़ा होगा। पियत्रो को उसे मारने के लिए भेजा गया होगा। शायद इसीलिए उसकी जेब से हमें उसकी तस्वीर मिली, ताकि वो किसी गलत आदमी को ना मार दे। वो उस आदमी के पीछे गया होगा, उसने उसे एक घर में घुसते देखा होगा और फिर उसके लिए बाहर इंतज़ार किया होगा। उसके बाहर आने पर दोनों में हाथापाई हुई होगी और उसे चाकू लग गया होगा। अब बताइए कैसी रही मिस्टर होम्स? होम्स ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हारी थ्योरी में मूर्तियां तोड़े जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अरे फिर से मूर्ति? आप थोड़ी देर के लिए भी उन मूर्तियों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते? वो कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही मामूली सी चोरी। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा मिलेगी। असल में हम जिस बात की जांच कर रहे हैं वो है हत्या, और उसे ही प्रूव करने के लिए मैं सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। और तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? होम्स ने पूछा। मैं इंस्पेक्टर हिल के साथ इटालियन क्वार्टर में जाऊंगा, उस आदमी को ढूंढूंगा जिसकी तस्वीर हमें मिली है, और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। बस काम खत्म। क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य को इससे ज्यादा आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब एक ऐसी बात पर निर्भर है जो पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आज रात तुम हमारे साथ चलोगे तो मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इटालियन क्वार्टर में? लेस्ट्रेड ने पूछा। नहीं, मेरे ख्याल से इस केस का हल मिलने की संभावना चिस्विक में ज्यादा है। अगर आज रात तुम मेरे साथ चिस्विक चलोगे लेस्ट्रेड, तो कल मैं तुम्हारे साथ इटालियन क्वार्टर जाने का वादा करता हूँ, और इतनी सी देरी से कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अब मुझे लगता है कि कुछ घंटों की नींद हम सब के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें 11 बजे के बाद ही निकलना है, और ये संभावना नहीं है कि सुबह से पहले हम वापस आ पाएंगे। तुम रात का खाना हमारे साथ ही खा लो, और तब तक सोफे पर आराम से सो सकते हो जब तक कि हमारा काम शुरू नहीं हो जाता। और मुझे बहुत खुशी होगी वॉटसन अगर तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। मुझे एक पत्र भेजना है, और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पत्र को तुरंत जाना चाहिए, इसलिए प्लीज़ एक एक्सप्रेस मैसेंजर के लिए ज़रा फ़ोन कर दो। इसके बाद पूरी शाम होम्स ने पुराने अखबारों की फाइलों के बीच अफरा तफरी में बिताई। आखिर में जब उसका काम खत्म हुआ तो उसकी आंखों में विजय की चमक थी, लेकिन उसने हम दोनों में से किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब तक इतना तो मैं स्पष्ट रूप से समझ ही चुका था कि होम्स को ये उम्मीद थी कि ये अजीब अपराधी बची हुई 2 मूर्तियों को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, जिनमें से एक चिस्विक में थी, और निस्संदेह हमारे वहाँ जाने का उद्देश्य था उसे रंगे हाथों पकड़ना। और मैं ये भी अच्छी तरह समझ चुका था कि मेरे दोस्त ने कितनी चालाकी के साथ शाम के अखबार में वो गलत सुराग डाला था, ताकि उस आदमी को ये लगे कि वो आराम से अपना काम जारी रख सकता है। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब होम्स ने मुझे अपने रिवॉल्वर साथ ले जाने का सुझाव दिया। उसने खुद भी एक रिवॉल्वर ले लिया था। 11 बजे के करीब हमारे दरवाजे पर एक कैब खड़ी थी, जिसमें बैठकर हम हैमरस्मिथ ब्रिज के दूसरी तरफ एक जगह पर गए। कैब वाले को वहां इंतज़ार करने के लिए कहा गया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम एक सुनसान सड़क पर पहुँच गए, जिसके चारों तरफ खूबसूरत घर बने थे। उनमें से एक के सामने लैबर्नम विला लिखा था। ये साफ था कि उस घर में रहने वाले सोने के लिए जा चुके थे, क्योंकि हॉल के दरवाजे पर एक धुंधली रोशनी के अलावा सभी कमरों में अंधेरा था। हम मकान के चारों तरफ बनी लकड़ी की बाड़ के अंदर घुस गए और एक जगह पर छुपकर बैठ गए। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे डर है कि हमें एक लंबा इंतजार करना होगा। ये अच्छा है कि कम से कम बारिश नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद हमें पता चल गया कि हमारा इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। ये बहुत ही अचानक और अजीब तरीके से समाप्त हो गया। अचानक बगीचे का दरवाजा खुला और न जाने कहां से निकलकर एक जली हुई काली आकृति एक बंदर की तरह तेज और सक्रिय बगीचे के रास्ते पर दौड़ती नजर आई। घर के दरवाजे से भी आगे निकलकर वो घर की काली छाया के पीछे गायब हो गया। हम अपनी सांसें रोके वहीं इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद हमारे कानों में एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ आई।
खिड़की खुलने की आवाज। फिर एक लंबा सन्नाटा छा गया। वो आदमी घर के भीतर घुस रहा था। हमने कमरे के अंदर एक लालटेन की धुंधली चमक देखी। कुछ देर बाद वही चमक हमें दूसरे कमरे में दिखाई दी, यानी साफ था कि जो वो चाहता था वो उसे पहले कमरे में नहीं मिला था। कुछ पल बाद वो रोशनी तीसरे कमरे में चमकी। लेस्ट्रेड ने फुसफुसाकर कहा, चलो हम उस खुली खिड़की पर चलते हैं, जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ते, वो आदमी फिर से नजर आया। हमने साफ साफ देखा कि उसने अपनी बाह के नीचे कुछ सफ़ेद चीज दबा रखी थी। उसने चारों तरफ चुपके से देखा और सुनसान गली में फैली खामोशी देखकर थोड़ा आश्वस्त हो गया। फिर वो दूसरी दिशा में घूम गया और अब उसकी पीठ हमारी तरफ हो गई थी। अगले ही पल जमीन पर कुछ पटके जाने की तीखी आवाज़ आई और उसके बाद एक कर्कश खड़खड़ाहट हुई। वो आदमी जो कुछ कर रहा था उसमें इतना मगन था कि उसने अपने पीछे आते हमारे कदमों को भी नहीं सुना। चीते किसी फुर्ती के साथ उसके पीछे पहुंचकर होम्स ने उसे पीछे से जकड़ लिया। लेस्ट्रेड और मैंने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ी और उसके हाथों में हथकड़ी बांध दी गई। जब उसका चेहरा हमारी तरफ घूमा तो मैंने देखा कि एक घिनौना भद्दा झुर्रीदार चेहरा हमें घूर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही तस्वीर वाला आदमी ही था। लेकिन होम्स का ध्यान हमारे कैदी पर कतई नहीं था। वो दरवाजे पर लेट गया और बहुत सावधानी से उस चीज की जांच करने लगा जो वो आदमी घर के अंदर से लाया था। ये ठीक उसी तरह की नेपोलियन की मूर्ति थी जिसे हमने उस सुबह देखा था और जिसे इसी तरह के टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। होम्स ने हर एक टुकड़े को बड़े ध्यान से रोशनी में देखा, लेकिन किसी भी तरह से ये बाकी मूर्तियों से अलग नहीं थी। ठीक उसी समय हॉल की बत्तियां जल गई, दरवाज़ा खुला और घर का मालिक वहां नजर आया। वो शर्ट और पैंट पहने एक हंसमुख गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति था। आप मेरे ख्याल से मिस्टर जोशिया ब्राउन हैं, होम्स ने कहा। जी हाँ सर, और आप मिस्टर शर्लॉक होम्स हैं। मुझे वो नोट मिल गया था जो आपने एक्सप्रेस मैसेंजर द्वारा भेजा था और मैंने ठीक वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए लिखा था। हमने अंदर से घर के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया और फिर उसके आने का इंतज़ार किया। जो भी हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आपको आपका अपराधी मिल गया है, और अब आप लोग प्लीज़ अंदर आइए और कुछ जलपान कीजिए। लेकिन लेस्ट्रेड उसे सुरक्षित पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए काफ़ी उत्सुक था, इसलिए कुछ ही मिनटों में हमारी कैब वापस बुला ली गई और हम चारों फिर से लंदन के रास्ते पर थे। हमारा कैदी पूरे रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा अपने उलझे बालों की लटों के बीच से हमें घूरता रहा। लेकिन एक बार जब मेरा हाथ उसकी पहुँच के भीतर लग रहा था तो अचानक वो एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। थाने में उसके कपड़ों की तलाशी में कुछ शिलिंग और एक लंबे चाकू के अलावा और कुछ नहीं मिला। चाकू के हैंडल पर खून के ताज़े निशान थे। लेस्ट्रेड बड़े अच्छे मूड में था। उसने कहा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इंस्पेक्टर हिल इन सारे कमीनों को जानता है और जल्दी ही हमें इसके बाकी साथियों के नाम भी पता चल जाएंगे, और फिर आप देखना, माफिया वाली मेरी थ्योरी बिल्कुल सही साबित होगी। लेकिन जिस तरह से आपने इसे पकड़ने में हमारी मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ मिस्टर होम्स। होम्स ने अजीब सी नज़रों से लेस्ट्रेड की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे लिए ये केस खत्म हो गया हो लेस्ट्रेड, लेकिन मेरे लिए अभी नहीं हुआ है, क्योंकि एक दो बातें ऐसी हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है, और ये उन केसों में से एक है जो अंत तक काम करने लायक है। अगर कल शाम को 6 बजे तुम फिर से मेरे कमरे पर आओगे तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें ये दिखा पाऊंगा कि तुम इस सारे गोरख धंधे को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हो। इस केस में ऐसी खासियत है जो इसे अपराध के इतिहास में बिल्कुल मौलिक बनाती है, अपनी तरह का एक अकेला केस। अगली शाम जब हम फिर मिले तो लेस्ट्रेड ने हमें कैदी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उसका नाम बेपो था। वो इटालियन उपनिवेश में एक प्रसिद्ध हरफन मौला था। वो एक बड़ा ही कुशल मूर्तिकार था और उसने ईमानदारी से अपना जीवन बिताया था, लेकिन बाद में उसने बुरे रास्ते अपना लिए और वो पहले ही 2 बार जेल जा चुका था, एक बार एक छोटी चोरी के लिए और एक बार, जैसा कि हम पहले से ही जानते थे, अपने एक साथी को छुरा मारने के लिए। वो अच्छी तरह से अंग्रेजी भी बोल सकता था। मूर्तियों को वो क्यों नष्ट कर रहा था, इस बारे में उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था।
लेकिन पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वही मूर्तियां होंगी जो उसने अपने हाथों से बनाई होंगी, क्योंकि उस वक्त वो गेल्डर एंड कंपनी में इस काम में लगा हुआ था। इस सारी जानकारी को, जिसमें से काफ़ी कुछ हम पहले से ही जानते थे, होम्स ने ध्यान से सुना। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था और मैं ये स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके विचार कहीं और थे। अंत में वो अपनी कुर्सी पर बैठने लगा और उसकी आंखें चमक उठीं। दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। एक मिनट बाद हमने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनी और एक बुजुर्ग लाल चेहरे वाला आदमी, जिसकी भूरे रंग की मूछें थीं, अंदर आया। उसने अपने दाहिने हाथ में एक पुराने ज़माने का बैग ले रखा था, जिसे उसने मेज़ पर रख दिया। क्या आप मिस्टर शर्लक होम्स हैं? उसने पूछा। मेरा दोस्त झुका और मुस्कुराया। जी हाँ, मैं शर्लक होम्स हूँ और आप मेरे ख्याल से रीडिंग के मिस्टर सैनफोर्ड हैं। जी हाँ, मुझे डर है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। आपने मुझे उस मूर्ति के बारे में लिखा था जो मेरे पास है। जी हाँ, बिल्कुल, होम्स ने कहा। ये आपका वो पत्र है जो मुझे मिला था। इसमें आपने लिखा है, मैं महान नेपोलियन की एक मूर्ति खरीदना चाहता हूँ और जो आपके पास है उसके लिए मैं आपको 10 पाउंड देने के लिए तैयार हूँ। क्या ये बात सही है मिस्टर होम्स? जी हाँ, पक्के तौर पर, होम्स ने कहा। दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका पत्र मिलने पर मैं बहुत हैरान था, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपको कैसे पता कि मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति है। मैं आपकी हैरानी समझ सकता हूँ, लेकिन इसका स्पष्टीकरण बहुत ही आसान है। हार्डिंग ब्रदर्स के मिस्टर हार्डिंग ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी आखिरी मूर्ति आपको बेची थी और उन्होंने ही मुझे आपका पता दिया था। ओ अच्छा, अब समझा, सैनफोर्ड ने कहा। क्या उन्होंने आपको ये भी बताया था कि मैंने ये मूर्ति उनसे कितने में खरीदी थी? जी नहीं, वो तो उन्होंने नहीं बताया, होम्स ने कहा। देखिए, हालांकि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानदार आदमी हूँ। मैंने इस मूर्ति के लिए सिर्फ 15 शिलिंग दिए थे और मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं आपसे 10 पाउंड लूँ, ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। मुझे यकीन है सर कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, लेकिन वो कीमत मैंने तय की है और इसीलिए मैं उस पर टिका रहूँगा, होम्स ने कहा। ये आपका बड़प्पन है मिस्टर होम्स। जैसा कि आपने मुझे करने के लिए कहा था, मैं मूर्ति को अपने साथ ही लेकर आया हूँ। ये रही ये। इतना कहकर उस आदमी ने अपना बैग खोला और आखिरकार हमने अपनी मेज़ पर उस मूर्ति का पूरा नमूना देखा, जिसे हम पहले कई बार सिर्फ टुकड़ों में देख चुके थे। होम्स ने अपनी जेब से एक कागज़ लिया और मेज़ पर 10 पाउंड का नोट रख दिया। अब मिस्टर सैनफोर्ड, आप इन दोनों गवाहों की उपस्थिति में कृपया उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप हर वो संभव अधिकार मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो इस मूर्ति के लिए आपके पास कभी था। दरअसल मैं थोड़ा व्यवस्थित किस्म का आदमी हूँ और इसीलिए अपने हर काम को पक्के तौर पर करता हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए मैं ये सारी सावधानी रख रहा हूँ। सैनफोर्ड को साइन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बिना हिचके साइन कर दिए और होम्स ने उसके पैसे उसके हाथ में थमा दिए। धन्यवाद मिस्टर सैनफोर्ड, ये रहा आपका पैसा, गुड इवनिंग। उसके वहाँ से जाने के बाद होम्स ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू की। उसने अपनी दराज से एक साफ सफ़ेद कपड़ा लेकर मेज़ पर रखा और फिर उस मूर्ति को उठाकर कपड़े के बीचों बीच रख दिया। फिर उसने अपनी गन उठाई और नेपोलियन के सिर के ऊपर उसके हत्थे से एक तेज़ वार किया। मूर्ति टुकड़ों में टूट गई और होम्स उनके ऊपर बड़ी ही उत्सुकता से झुक गया। अगले ही पल विजय के एक ज़ोरदार नारे के साथ उसने एक किरच को पकड़े हुए सिर ऊपर उठाया, जिसमें एक गोल काली सी चीज़ एक हलवे में बेर की तरह रखी गई थी। वो जोश से चिल्लाते हुए बोला, आहा, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ बोर्गियास के प्रसिद्ध ब्लैक पर्ल से। लेस्ट्रेड और मैं मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। होम्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ तो सज्जनों, ये दुनिया में फिलहाल मौजूद सबसे प्रसिद्ध मोती है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि अपने तर्कों की एक लंबी श्रृंखला से गुजरते हुए आज मैं इसे ढूंढ पाया हूँ। काफ़ी समय पहले डेकरे होटल में कोलोना के राजकुमार के बेडरूम से ये मोती खो गया था और आज गेल्डर एंड कंपनी द्वारा बनाई गई नेपोलियन की 6 मूर्तियों में से आखिरी मूर्ति के अंदर ये हमें वापस मिल गया है।
तुम्हें याद होगी लेस्ट्रेड, इस कीमती मोती के गायब होने से जो सनसनी फैली थी, और इसे फिर से पाने के लिए लंदन पुलिस ने जो नाकाम कोशिशें की थी, वो सब तुम्हें याद होगा। इस केस में मुझसे भी सलाह ली गई थी, लेकिन मैं उस पर कोई भी रोशनी डालने में असमर्थ रहा था। राजकुमार की नौकरानी पर संदेह किया गया था, जो एक इटालियन लड़की थी, और ये साबित हो गया था कि लंदन में उसका एक भाई था, लेकिन हम उनके बीच किसी भी तरह का संबंध पता नहीं लगा पाए थे। नौकरानी का नाम था ल्यूक्रेटिया वेनुची, और इस बात के लिए मेरे मन में कोई शक नहीं है कि वो पियत्रो, जिसकी दो रात पहले हत्या कर दी गई थी, वो उसका भाई था। मैं पुरानी फाइलों में तारीखें चेक कर रहा था, और मैंने ये पाया कि जिस दिन ये मोती गायब हुआ था, उसके ठीक दो दिन बाद हिंसा के किसी अपराध के लिए गेल्डर एंड कंपनी के कारखाने से बेपो की गिरफ्तारी हुई थी, और वो भी ठीक उस समय जब ये मूर्तियां बनाई जा रही थीं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये मोती मूर्ति में आया कैसे। बेपो के पास वो मोती था, हो सकता है उसने इसे पियत्रो से चुराया हो, या फिर वो पियत्रो और उसकी बहन के बीच की कड़ी रहा हो। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी भूमिका क्या थी, मुख्य बात यह है कि मोती उसके पास था, और जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी उसके साथी को चाकू मारने के आरोप में, उस वक्त भी ये मोती उसके पास था। पुलिस से बचते बचाते वो उस कारखाने में पहुंचा जिसमें वो काम करता था। वो जानता था कि उसके पास उस मोती को छुपाने के लिए केवल कुछ ही मिनट का समय है। कारखाने में नेपोलियन के 6 प्लास्टर कास्ट सूख रहे थे, उनमें से एक अभी भी नरम था। बेपो कुशल कारीगर तो था ही, उसने पलक झपकते गीले प्लास्टर में एक छोटा सा छेद बनाया, मोती उसके अंदर डाल दिया और उस छेद को फिर से बंद कर दिया। ये एक बड़ी ही काबिले तारीफ जगह थी जहां किसी ऐसी चीज को छिपाया जा सकता था, उसे वहां से शायद ही कभी कोई ढूंढ पाता। लेकिन दुर्भाग्य से बेपो को 1 साल की कैद हो गई, और इस बीच वो 6 मूर्तियां लंदन में 6 अलग अलग जगह पर चली गईं। वो ये नहीं जानता था कि उनमें से उसका खजाना कौन सी मूर्ति में है, सिर्फ उन्हें तोड़कर ही वो इस बात का पता लगा सकता था। मूर्ति को हिलाने डुलाने से भी उसे कुछ पता नहीं चल सकता था, क्योंकि प्लास्टर गीला होने के कारण ये संभावना थी कि मोती उसमें चिपक चुका होगा। बेपो इस बात से निराश नहीं हुआ, उसने बड़ी ही लगन के साथ अपनी खोज शुरू कर दी। गेल्डर एंड कंपनी में काम कर रहे अपने चचेरे भाई के माध्यम से उसने उन खुदरा फर्मों का पता लगाया जिन्होंने वो बस्ट खरीदे थे। फिर उसने मोर्स हडसन के यहाँ जाकर नौकरी कर ली, और इस तरह उसे उन 3 मूर्तियों के बारे में पता चल गया कि वो कब और किसे बेची गई थी। उसने उन 3 मूर्तियों को चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में भी मोती नहीं था। फिर कुछ इटालियन कर्मचारियों की मदद से वो ये पता लगाने में कामयाब रहा कि बाकी 3 मूर्तियां किसे बेची गई थीं। उनमें से पहली हार्कर के पास थी। वहां उसके साथी ने उसे डांटा, जिसने मोती के नुकसान के लिए बेपो को जिम्मेदार ठहराया, और उसने उसके बाद हुई हाथापाई में उसे चाकू मार दिया। मैंने होम्स को बीच में टोकते हुए सवाल किया, लेकिन अगर वो उसका साथी था तो वो उसकी तस्वीर साथ लेकर क्यों गया था? वो इसलिए ताकि अगर उसे किसी तीसरे व्यक्ति से उसके बारे में पूछताछ करनी पड़े तो उसे तस्वीर दिखाकर पूछ सके। खैर, हत्या के बाद मैंने हिसाब लगाया कि बेपो अपनी हरकतों में देरी करने के बजाय जल्दी करेगा। उसे ये डर रहेगा कि पुलिस कहीं उसके रहस्य को जान ना पाए, और इससे पहले कि पुलिस उससे आगे निकल जाए, वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त तक बेशक मैं ये नहीं जानता था कि उसे हार्कर वाली मूर्ति में मोती मिला है या नहीं। मुझे स्पष्ट रूप से ये भी नहीं पता था कि वो मोती है या कुछ और, लेकिन इतना मैं पक्के तौर पर जानता था कि वो कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे रोशनी की जगहों पर ही तोड़ता था। और इसी बात से ये साफ जाहिर था कि वो जो भी चीज़ थी वो काफ़ी छोटी थी। 2 मूर्तियां अभी भी देखनी बाकी थीं, और ये साफ था कि वो लंदन वाली के लिए पहले जाएगा। मैंने उस घर के लोगों को चेतावनी दी ताकि दूसरी किसी ट्रेजेडी से बचा जा सके। उस समय तक निश्चित रूप से मैं ये जान गया था कि ये बोर्गियास मोती ही था जिसके पीछे हम लगे हुए थे। मारे गए व्यक्ति के नाम से मैंने एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ लिया था। उसके बाद सिर्फ एक ही मूर्ति रह गई, और ये निश्चित था कि मोती उसी ही मूर्ति में होना चाहिए, और इसीलिए तुम दोनों की मौजूदगी में मैंने इसे इसके मालिक से खरीदा है, और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है।
एक पल के लिए हम चुपचाप बैठे रहे। लेस्ट्रेड ने थोड़े दबे हुए स्वर में कहा, मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल तो हमेशा से ही रहा हूँ मिस्टर होम्स, लेकिन आज तो आपने कमाल ही कर दिया। हमें आप पर बहुत गर्व है और मैं चाहूँगा कि कल आप स्कॉटलैंड यार्ड ज़रूर आएं। वहाँ सबसे बड़े इंस्पेक्टर से लेकर सबसे छोटे कांस्टेबल तक हर आदमी आपसे हाथ मिलाकर और आपसे मिलकर बेहद खुशी महसूस करेगा। शुक्रिया लेस्ट्रेड, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा, होम्स ने कहा और हम तीनों मुस्कुरा दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अलविदा।